कानपुर देहात के सीडीओ सौम्या पांडे कामकाजी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही वे अपने 2 साल की बच्ची का भी पूरा ख्याल रखती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सौम्या पांडे की सक्सेस स्टोरी के बारे में। IAS सौम्या पांडे का जन्म UP के प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से पूरी की है। सौम्या पांडे ने 10वीं की कक्षा में 98% और 12वीं की कक्षा में 97 अंकों के साथ अपने जिले में टॉप किया था। वही 2015 में MNNIT इलाहाबाद से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से BTEC किया था। यहाँ भी उन्होंने ना सिर्फ टॉप किया था बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। सौम्या पांडे ने इंजीनियरिंग करने के बाद 1 साल का ब्रेक लेकर UPSC की तैयारी की थी और उन्होंने पहले ही प्रयास में सिर्फ 23 साल की उम्र में 4थी रैंक के साथ UPSC परीक्षा में टॉप किया था। उनके पास NCC B और C कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है। वह क्लासिकल डांस के साथ साथ बास्केटबॉल की एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है और इन सब के लिए उनकी माँ डॉक्टर साधना पांडे और पिता डॉक्टर RK पांडे ने इनका काफी साथ दिया है। IAS सौम्या पांडे फिलहाल कानपुर देहात में CDO के पद पर तैनात हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में अपनी बेटी को जन्म देने के 22वें दिन से ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। दरअसल उस समय COVID-19 के कारण हालात बिगड़ रहे थे और ऐसे में उन्हें मैटरनिटी लीव पर रहना सही नहीं लग रहा था। तब योगी सरकार ने उनकी काफी सराहना भी की थी। सौम्या UPSC उम्मीदवारों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करती रहती है। उनके मुताबिक UPSC प्री एग्जाम की तैयारी के लिए बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए NCERT से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। उनसे पढ़ने के बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएं। UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। इनसे तैयारी पक्की हो जाती है और उम्मीदवारों को अपनी कमी व गलतियों के बारे में पता लग जाती है।